हूँ आपके साथ साक्षी विराट 24 की टीम की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर रीवा जिले से है, जहां गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह SF परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण किया, उसके पश्चात राष्ट्रगान हुआ और मुख्य अतिथि को सलामी दी गई। मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया, उसके बाद मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इसके बाद पूर्वाहन हर्ष फायर एवं राष्ट्रपति की जय के नारे लगाए गए। इसके पश्चात परेड द्वारा मार्च पास्ट आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम समृद्धि के प्रतीक गुब्बारे आकाश में छोड़े और परेड कमांडर एवं प्लाटून कमांडरों से परिचय प्राप्त किया। इसके पश्चात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीद एवं लोकतंत्र सेनानी एवं उनके परिजनों से भेंट कर उनको सम्मानित किया। इसके पश्चात मध्य प्रदेश गान एवं चलित झांकियों का प्रदर्शन किया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि ने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कार वितरित किया। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की झलकियां। माननीय अध्यक्ष, जो आज हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं, मंच पर पहुंचकर ध्वज वंदन करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। स्वामी जी की भविष्यवाणी को आज विश्व के सर्वमान्य नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सही अर्थों में चर्चा कर रहे हैं। ये उन्हीं की विजनरी सोच और नीतियों का परिणाम है कि भारत विश्व की नेतृत्व वाली भूमिका उठाकर एक बार पुनः विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। एक धरती एक परिवार एक भविष्य की थीम पर जी प्रति समूह की अध्यक्षता भारत के माध्यम से विश्व बंधुत्व के विश्व शांति विश्व कल्याण के लिए एक नए युग का प्रारंभ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र ही G20 की अंतर्निहित शक्ति बन गया है। मध्य प्रदेश के सौभाग्य विषय की विशेष G20 थिंकर्स बैठक सहित समूह की कुल 8 बैठकें प्रदेश में आयोजित हो रही। मध्य प्रदेश का दिल देश का दिल तो पहले से है और दुनिया की धड़कने भी बन गया है। हाल ही में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन तथा विशेष G20 थिंकर्स कार्यक्रमों की ऐतिहासिक सफलता ने मध्य प्रदेश उज्जवल क्षेत्र को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन में सभ्यता की राजधानी इंदौर की को दुल्हन की तरह सजाकर वहां की जनता ने प्रवासी अतिथियों का केवल अपने हृदय में बल्कि घरों में भी स्थान दिया। इंदौर में निर्मित नमो बालक गार्डन में प्रवासी भारतीयों को मध्य प्रदेश से प्रेम के साथ साथ पेड़ के बंधन में भी बांध दिया। प्रवासी भारतीय दिवस की निरंतरता में आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सफलता के अपने ही पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। समिट में 84 देशों के प्रति सम्मिलित हुए, 15,42,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनके माध्यम से 39 लाख से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना। यह केवल समिट नहीं बल्कि नई निवेश क्रांति का सूर्योदय है। औद्योगिक निवेश के संबंध में उद्यमियों की समस्याओं के अवसर पर हमारे इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश। भारतीय गणराज्य के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज जन जन का मन उत्साह उमंग से भरा हुआ है। चारों ओर राष्ट्रीय उत्सव के अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही है। ये सुखद संयोग ही है कि आज के दिन ऋतुराज वसंत का धरती पर आगमन हो रहा है। गणतंत्र और वसंत का एक साथ आगमन हम सबके लिए संदेश है कि प्रकृति के साथ प्रगति ही हमारा जीवन मंत्र होना चाहिए। वसंत पंचमी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश हमारा संविधान जनता की ताकत तो है ही, जीवन की ताकत भी है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, एकता, अखंडता, सद्भाव, समरसता, बंधुता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता ये केवल किसी शब्दकोश के शब्द नहीं बल्कि भारत के संविधान की आत्मा है। भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीती जागती भाव यात्रा है, जहाँ ये पर आजादी का अमृत महोत्सव वर्तमान के गौरवशाली वैभवशाली भारत का प्रतिबिंब है। वहीं दूसरी ओर आजादी का अमृतकाल एक नए सशक्त और संपन्न भारत के निर्माण का प्रतीक है।
झरना के जयघोष के साथ आजादी के अमृत काल में संगम निश्चय ही अद्भुत है, अभूतपूर्व है। संस्कृति महान अपनी हे विश्व के गुरु, हम फाइटर प्लेन की महिला, पहली महिला पायलट और आज के हमारे समारोह के माननीय मुख्य अतिथि के गीत गा रहा है। यह बसंत का आह्वान है, तरक्की का विहान है। निरीक्षण के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय इस समय प्लाटून के बीच पहुंच चुके हैं। विशेष विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपने प्रदेश के बच्चों को उत्तम शिक्षा की सुविधाएं, स्मार्ट क्लास, योग, आत्मरक्षा और साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तमाम उपक्रमों और उपांगों को यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग की झांकी समय अतिथि दीर्घा के समक्ष प्रदर्शित होती हुई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की आदरणीय स्वप्निल वानखड़े सर के निर्देशन में तैयार की गई ये झांकी, जो अपने समग्र विकास को प्रस्तुत करती हुई धीरे धीरे मंच के सामने से गुजर रही है। आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान, महिला सेवा की झांकी, जम्बो झांकी, एक सुदीर्घ झांकी माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष और हमारी दर्शक दीर्घा अतिथि दीर्घा से होकर गुजर रही है। जिसमें राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम को और उसके विभिन्न पहलुओं को बड़े विहंगम और बृहद ढंग से दर्शाया गया है। इस समय हमारे अतिथि दीर्घा के पास से परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग की झांकी दृष्टिगोचर होती हुई। इसी तरह के क्या वो?
तो नहीं जानेगा। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को और देश के तमाम नागरिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। प्रार्थना करता हूं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बनाए गए हमारे संविधान के तहत उनके मूल अधिकारों की रक्षा हो, मूल अधिकारों की प्राप्त हो, यही मैं शुभकामना देना चाहता हूं। आज हम सभी के लिए बड़ा ही खुशी और हर्ष का दिवस है। आज गणतंत्र दिवस पर संभाग के सभी नागरिकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं ये आशा करता हूं कि ये गणतंत्र दिवस आपके लिए आपके जीवन में नई उमंग, नई आशा और नई खुशियां लेकर आएगा। पुनः सभी नागरिकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर पूरे ज़िलेवासियों को ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएँ। हम सभी इस प्रण के साथ, जी जान के साथ लगे कि जिन उद्देश्यों के लिए गणतंत्र की स्थापना हुई है, हम उन उद्देश्यों को सफल करने में अपनी अपनी भूमिका अच्छे से निभाएं और विशेषकर रीवा ज़िले को हम उन ऊंचाइयों तक ले जाएं जिसके लिए इस गणतंत्र की स्थापना हुई है, और समाज के सभी वर्ग और सभी व्यक्तियों के विकास में अपनी भूमिका निभाएँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएँ। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक प्रदीप पटेल, विधायक मऊगंज, अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त। गोविंदगढ़ थाने के थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल अपने अलग ही अंदाज में गणतंत्र दिवस आजादी का जश्न मनाया। सब इंस्पेक्टर शिवा अग्रवाल ने देशभक्त गीत गाकर जहां जश्न मनाया, वहीं जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। पुलिस अधिकारी के द्वारा गाया हुआ गाना लोगों को जहां देशभक्त की प्रेरणा दिया, वहीं गाते हुए गाने की लोगों ने प्रशंसा भी की। आइए दिखाते हैं अलग अंदाज में थाना प्रभारी की आजादी का जश्न। जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान की
तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक सुमन साकेत, जनपद अध्यक्ष प्रदीप दुबे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी वेदमणि त्रिपाठी, लेखा अधिकारी जनपद रायपुर करचुलिया। जनपद पंचायत जवा की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक जनपद अध्यक्ष रन्नू बीडी पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके मिश्रा। खबर रीवा जिले से है, जहां राजस्व विभाग पर लेन देन का निर्णय लेने का आरोप लगा है। दरअसल मामला सिरमौर तहसील का है, जहां गया प्रसाद मिश्रा और रामायण मिश्रा का परिवार के ही रविंद्र प्रसाद मिश्रा के साथ जमीनी बंटवारे का विवाद चल रहा है। बताया जाता है कि रविंद्र मिश्रा के द्वारा पुराने पुश्तैनी रास्ते को अवरुद्ध कर निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे पक्ष ने नायब तहसील के यहाँ से स्ट्रे लिया था, लेकिन उक्त स्ट्रे को तहसीलदार के द्वारा निरस्त कर दिया गया। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि सिरमौर तहसील के बाबू ने साठ गाठ कर बिना एक पक्ष की सुनवाई किए ही निरस्त कर दिया। पीड़ितों ने बताया कि उनके द्वारा बंटवारे का आवेदन किया गया है, लेकिन बंटवारा नहीं किया जा रहा है। उसका फायदा उठाते हुए पुराने घर को गिराकर रविंद्र मिश्रा के द्वारा नया निर्माण कराया जा रहा है। पीड़ितों ने बताया, जब उन्हें स्टे मिला था तो कार्य रुकवा दिया गया, लेकिन साठ गाठ कर पुनः तहसीलदार ने स्टे कैंसिल कर दिया और अब रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ितों ने किस तरह से तहसील के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपका रामायण प्रसाद मिश्रा बदराम, बताइए किस तरह से आपके साथ लग रहा है, क्या अन्याय हुआ, पूरा मामला क्या था? आवेदन लगा रहे हैं 12/11/2022 का तहसील में बंटवारा का नहीं, प्लस साहब वहाँ हमका स्टे मिला रहा है। स्टे के बावजूद वहाँ पटवारी प्लस आर आई गे, मैंने तहसीलदार साहब यह लिखे कि पटवारी जाके जायजा के मौका ले, पटवारी गए वहाँ, पटवारी जब गए प्रतिवेदन ले तो हम पंचे को नहीं रहे गाँव मानी, तो उनके पक्ष में गांव के सरहंगन द्वारा पकड़ के गा लेके गए, प्लस ओके पक्ष में प्रतिवेदन बना दिए साहब। 8 फुट के हमारे निकले कि रास्ता रही, आज हमारे पैदल जाए के वहाँ रास्ता नहीं आए। का शिवराज सरकार यह चाहती है कि हम ऐसा करवाई? एक ही बात, आर आई गए, आर आई जब गए तो आर आई कहा थे कि मने वह गरीब है, तो कहा गरीब है तो कहा दूसरे के कब्जे में घर बने हैं साहब। वहाँ बंटवारा का को नहीं कहता है कि बंटवारा होए, गांव के सरहंग वहाँ मारे के तहसील में तैयार भी रहे, हम तहसीलदार के साहब कहते कि हमका बाहर मारे के तैयार करत लागे, गांव के सरहंग मारे के तैयारी बनत लागे, वकील के सामने की यह बात यह है। विवाद क्या है? विवाद सर, यह विवाद है कि जो पुरान घर उनखर रहा है। किसका किसका था नाम? रावेंद्र प्रसाद मिश्रा का। जो पुराना घर था तो पुराना घर वापस का घर पैसे पाए हुए हैं, तो जो पुराना उनका घर था तो अगर वहां से बनाते हमारे को कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने 7 फुट पीछे हमारे पट्टे की जमीन में तो 5 फुट सर, 1 फुट भी जगह हमारे खाली पैदल निकलने की रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। और गांव के सरहंगों द्वारा घर बनवाया जा रहा है, आर आई गए, आर आई हम लोगों की कोई भी बात नहीं सुने, सिरमौर से उनको जबरन पकड़ के लेके गए। वो बोले थे कि अपने मर्जी सर पैसे में। इसके बाद प्रतीक गुप्ता बाबू बैठते हैं तहसील सिरमौर में, तो उन्होंने जब हमारा वकील या कि हम जाते थे तो हम लोगों को फाइल देने के लिए तैयार नहीं होते थे कि फाइल दे दें कि हम क्या करें क्या ना करें। सर क्या यही चाहती है शिवराज सरकार की चोर चमतरा नाचे साहब का फांसी हो? कहते हम बिल्डोजर चलवा रहे हैं साहब, बिल्डोजर चोरन के घर में नहीं चलाती या साहबन के घर में चलाती, हम चोर आए हम यहीं से तमाम दर दर फटकी तलात हैं आए साहू कुछ नहीं आया। आपके कौन है वो? हमारे बड़ा दादा के लड़के हैं, बराबर के हिस्सेदार, बराबर के हिस्सेदार है, बंटवारा हुआ था, बंटवारा भी नहीं हुआ है, बंटवारा की अर्जी मेरी लगी हुई है, साथ में लगी है। और हमारा यही ना तो हमारे को पता है उनको पता, क्योंकि जो पुराना घर उनका है उसी के हिसाब से अगर वो बनाते तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं थी। कुल मिलाकर जो पुराना रास्ता था उसको बंद करके आपका रास्ता बंद किया? हमारा रास्ता बंद कर दिया सर, आज मेरे पास निकलने की जगह नहीं। आप न्यायालय गए? न्यायालय गए सर, हम न्यायालय में मेरी अर्जी भी लगी हुई है, बंटवारा की अर्जी लगी है, प्लस तहसीलदार द्वारा स्टे भी मेरे को मिला हुआ है। फिर क्या हुआ? और स्टे के बावजूद कल की हम वकील को, हमारे कल वकील मेरा फोन लगाया कि मिश्रा जी स्टे खारिज हो चुका है, तो मैं कहा कि कैसे स्टे खारिज हुआ, ना तो हम थे
कैसे बगैर बहस की बगैर दोनों पार्टी की हाँ उन्होंने बोले कि अब वहाँ के सरहंगों द्वारा पैसे लेके गुप्ता बाबू बिक गया और आई पटवारी तो बिके ही है। हाँ तो तहसीलदार साहब की स्टे कैंसिल कर दिए है। तो क्या चाहते हैं हम साहब? यह चाहते कि हमारा स्टे जारी रहा जब तक बंटवारा ना हो। तो आप SDM ऊपरी अदालत में जाएंगे? अब सर मैं कल यही कोशिश करूंगा कि हम SDM के पास जाएं और नीचे कि जो हमारी आरआई नंबर 123 है वो पुश्तैनी फाजहात की है सभी परिवार के बीच की, उसमें हम बंटवारा का आवेदन लगा रखे हैं सर, और इसके पहले 2019 में भी लगा चुके थे, तब ना तो हमारी कोई सुनवाई 2019 में हुई श्रीमान जी, और ना आज 2022 में मैं 12/11/2022 को आवेदन लगाया हूँ बटन 12 का, और 19/12/2022 को मेरे को स्टे मिला, और कल 25/1/2023 को स्टे हमारा खारिज हो गया बिना बटन 12 के। और खारिज होने का कारण श्रीमान जी ये है कि यानी जितने दमंग पार्टियां गांव की फरहंग हैं पैसे वाली वो सवाराई पटवारी और तहसीलदार के लीडर प्रदीप गुप्ता बड़े बाबू को पैसे में बुक करके और एक तरफा बयान करवा करके मेरा स्टे कल खारिज कर दिया गया। आपकी सुनवाई नहीं हुई, आपको पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया? हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई श्रीमान जी, इसलिए एक पटवारी आया मैं वहां उपस्थित था, आर आई आया तब मैं वहां उपस्थित था, पर उपस्थित होने के बाद आर आई मेरे को न तो किसी भी प्रकार की जानकारी लिया न दिया न पंचनामा में दफ्तर लिया न दिया कुछ भी नहीं किया। अब क्या करेंगे आगे? अब श्रीमान जी मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं इस प्रकरण को सामने उछालना चाहा और कल SDM के यहाँ में यानी स्टे का फिर दावा लगाऊंगा। कितना पुराना रास्ता था आपका जो बंद हो जाए, किस तरह से दिक्कत होगी? मान जी 8 से 10 फीट के लगभग था। कितना पुराना रास्ता है वो? यानी बाबा पर पाजा यानी 4-6 पुस्त पहले का था श्रीमान जी। बड़े मरे द्वारा आज भी बोला जा रहा है कि ये तुम लोगों का पुराना रास्ता है, 3 पुस्त पहले दिया गया। किसके द्वारा बंद किया जा रहा है रास्ता? राबेंद्र साध मिश्रा के माध्यम द्वारा बंद किया जा रहा है। जय अम्बे एसोसिएट स्वराज ट्रैक्टर बाईपास मऊगंज जिला रीवा की ओर से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक श्रीमती संतोष सिंह सिसोदिया, पूर्व जनपद अध्यक्ष मऊगंज, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा रीवा एवं स्वदीप सिंह रिचि, पूर्व अध्यक्ष कृषि उपज मंडी हनुमना। खबर रीवा जिले के चौराटा थाना क्षेत्र का है, जहां धौचट से गुजरी पूर्वा नहर में बीते 24 घंटे में डूबे 3 लोगों में से एक का कोई पता नहीं चल पाया है। डूबने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से 2 नाबालिगों को बचाया गया, लेकिन एक नाबालिग काल के गाल में समा गया, लेकिन 24 घंटे बाद भी नाबालिग का पता नहीं चल सका, जिसकी तलाश में NDRF की टीम तलाश में जुटी हुई है। मौके पर नायब तहसीलदार ममता पटेल, चौराटा थाना प्रभारी अवनीश पांडे, नौबस्ता चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक मनोज गौतम सहित भारी पुलिस बल युवक की तलाश में जुटे हैं। वहीं युवक के परिजनों में आक्रोश व्यक्त है। फिलहाल नहर का पानी बंद कराया गया है और गोताखोरों के माध्यम से युवक की तलाश की जा रही है। और कुछ बचा तो नहीं, थोड़ा हाथ पकड़ लिया नहीं सकते, मेरा बेटा है। कल की घटना है। कितने बजे की? लगभग 2 बजे की। अच्छा। खाना खाए हैं, वो दोस्त लिया था, खाना खाए के बाद थोड़ा थोड़ा पानी पिए, पानी पिए के बाद छोटा बोला कि हम चलो उनसे खरीद देंगे पानी, बोला नहीं हम नहर से बोर के लेकर आते हैं, जैसे बोरने गया तो सब फिसल गया। छोटा वाला का बोलते बचा लो, वो भी कूद गया, कुछ दूरी खींच लाया फिर वो भी डूब गया, तब फिर उसको दूसरे बचाए जो नहा रही थी। आपको कब जानकारी हुई थी? मुझे कल ही जानकारी हुई, जो बचाए हुई फोन किए मेरे छोटे बेटा को मोबाइल से, पुरानी बस्ती खरीदी। वो लौट रहे थे नवस्था से, नानी के यहाँ गए थे, लौट रहे थे, बस भाई बोला खाना खाना है तो आए, खाना खाए हैं, फिर बोला पानी प्यास लगी, मैंने बोला ले लो पैसा चले जाओ दुकान से खरीद लो, बोला हो गया रहने दो, फिर बोर नहीं आया है, फिर चटल कर गिर गया।
फिर बोला बस खाया है, बोला पानी नहीं है तो थोड़ा पानी। कितने लोग थे बेटा आप लोग? तीन लोग थे, एक मेरा दोस्त था, एक मेरा भाई था बड़ा वाला। अच्छा, तो दो लोग गिरा था? बड़ा वाला भाई मेरा। फिर उसके बाद मैं भी देखा तो मैं भी थोड़ा चौक गया, मेरे से बनता था थोड़ा बहुत पैर थे। फिर आप लोगों को कौन बचाया? फिर गाँव वाले बचाए। चट के पास नहर में कोई लड़का डूब गया है, क्या है पूरा मामला? कल तीन बच्चे नहर में पानी के लिए उतरे थे, कल एक बच्चा उतरा था, वो शायद उसका पैर स्लिप कर गया तो उसको बचाने के दो बच्चे और उतरे, तीनों पानी में डूब रहे थे, लेकिन गांव के लोगों ने साहस दिखाते हुए दो बच्चों को बचा लिया। एक बच्चा दिखाई नहीं पड़ा उन लोगों को क्योंकि नहर में पानी बहुत तेज है, इसलिए वो उतर नहीं पाए थे। एक बच्चा मिसिंग है, अभी तक वो मिल नहीं पाया है। गोताखोरों की टीम लगी हुई है, लगातार तलाश रही है। पानी का स्तर कम हो रहा है, जैसे थोड़ा सा पानी का स्तर और कम हो जाएगा हम उम्मीद करते हैं। लड़का है, पुरानी बस्ती। ये कितने वर्ष का रहा होगा? 16-17 साल इसकी उम्र बता रहे हैं। अच्छा, अभी तक ये जानकारी मिली ऐसे कि हाँ इसकी रिश्तेदारी है नौवस्था में, तो वहाँ आया था, लौटते समय यहाँ पे कुछ खाना पीना खाना होगा तो उसके लिए रुक गए। सभी देश एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यह गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने क्षेत्र के लोगों के सुखद जीवन की कामना करता हूं, साथ में लोगों से यह अपील करता हूं कि क्षेत्र में भाईचारा, मधुरता एवं गणतंत्र दिवस का जो उद्देश्य है कि लोगों को संगठित रहना, एक साथ रहना, आपसी भाईचारा बना रहना और एक नई ऊर्जा के संचार के साथ हम सब गणतंत्र दिवस मनाएं और अपने देश के हित में निर्णय लें, अपने देश के हित के बारे में सोचें और अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचें, एवं सभी पंचायत राज प्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, पूरे जिले के, पूरे प्रदेश के पंचायत स्तर के प्रतिनिधि, पंच भाई को मैं अपने जनाधिकार पंचायत राज संगठन की तरफ से गणतंत्र दिवस की एवं नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना गौरव दिवस के समापन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सतना गौरव दिवस में पहुंचने से पहले वे मैहर स्थित शारदा माता मंदिर दर्शन करने पहुंचे। शिवराज सिंह को रोपवे में जिस ट्रॉली से मंदिर जाना था उस ट्रॉली को खास तौर पर सजाया गया था। शिवराज सिंह ने अपनी धर्म पत्नी के साथ माँ शारदा माता की पूजा और अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद मैहर से निकल कर शिवराज सिंह सतना गौरव दिवस में सम्मिलित हुए, जहाँ करीब 450 करोड़ के विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मंच से सतना जिले की विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम और सतना का सम्मान बढ़ाने वाले विभूतियों को सम्मानित किया। शहर के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को शहर को साफ सुथरा और विकास को लेकर शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने शहरवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सतना विकास की राह पर है और वो दिन दूर नहीं जब सतना इंदौर जैसा विकसित और सुंदर स्वच्छ होगा। सीएम ने चित्रकूट में वनवासी लोग बनाने का वादा किया और रामपथ गबन क्षेत्र के विकास का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास अकेले सरकार नहीं कर सकती, इसके लिए जन भागीदारी जरूरी है। गौरव दिवस में स्थानीय लोग विकास पर चिंतन मनन करेंगे और विकास में सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री ने नगर गौरव दिवस की सफलता पर बधाई भी दी। सतना वासियों को, यहाँ के हमारे सांसद जी, हमारे मेयर साहब, सभी जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूँ। सतना गौरव दिवस मनाया गया, सतना बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। विकास के कामों में तो पहले भी कसर नहीं छूटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, यहाँ भरपूर विकास के काम दिए हैं। लेकिन पूरा शहर अब सतना के विकास के लिए कमर कस चुका है। समाज के हर वर्ग के लोग निकले हैं, समाज सेवियों ने संकल्प लिया है कि हम अपनी तरफ से भी सतना को आगे बढ़ाएंगे और अपने नगर का गौरव हम और आगे ले जाएंगे। इसलिए सतना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। यहाँ के समाज सेवियों को आज सम्मानित करने का काम हुआ है,
कई लोगों ने संकल्प लिए जो अपनी तरफ से सतना में कुछ करेंगे। अद्भुत वातावरण है, किसी शहर को आगे बढ़ने के लिए जनता की साथ और सहयोग की जो आवश्यकता होती है वह सतना में दिखाई दिया। मैं मीडिया के मित्रों का भी बहुत आभारी हूँ, आपने बहुत सकारात्मक माहौल सतना गौरव दिवस के लिए बनाया, धन्यवाद। समस्त मध्य प्रदेश वासियों को, भारत वासियों को, बिंद वासियों को, रीवा वासियों को और नई गढ़ी जनपद के समस्त माता बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, युवा बेरोजगारों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, अति शिक्षकों को, किसान भाइयों को, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे जो संवैधानिक मूल्य एक स्वतंत्र गणराज्य के हर नागरिक को मिले थे वो मिले, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं आप सबको मिले, इसके लिए हम सबको प्रयास करने की ज़रूरत। हमारा राष्ट्र, हमारा गांव हमारा है और इसको सुंदर बनाने के लिए सब प्रयास करें। आपका नई गढ़ी जनपद और नई गढ़ी का हर गांव एक स्वर्णिम और आदर्श गांव बने, इसके लिए हम सब मिलकर एक सामूहिक प्रयास करें। हमारे मौलिक अधिकार हमें मिले और हमारे समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को मिले, उसके लिए भी हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करने की ज़रूरत है। आप सबको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। जय हिंद, जय बिंद, जय अगस्त क्रांति, जय हिंद। सीधी जिले के चुरहट थाना अंतर्गत ग्राम कपूरी बैदोलिहान में एक शिक्षक ने डंडे से छात्र की पिटाई कर दी। इस पिटाई से उस छात्र के हाथ में सूजन आ गई। इसकी शिकायत पीड़ित छात्र ने पुलिस थाने में जाके की। कुछ दिनों पहले ही चुरहट स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र ने शिक्षक की प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वही एक माह में लगातार यह दूसरा मामला है जब शिक्षक ने फिर एक छात्र को प्रताड़ित किया है। दरअसल विद्यालय में गणतंत्र दिवस की तैयारी के लिए छात्रों को कतारबद्ध तरीके से खड़ा किया जा रहा था। इसी दौरान शिक्षक अनिल मिश्रा ने छात्र को बुरी तरह से डंडे से पीट दिया और अपशब्द भी कहे। शिक्षक अनिल मिश्रा पर छात्र ने आरोप लगाया है कि जिस समय सभी छात्र कतार में खड़े हो रहे थे उसी दौरान एक बच्चा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, उसे पीड़ित छात्र ने अपने सामने से हटा दिया। इस बात पर शिक्षक को गुस्सा आ गया, उन्होंने पीड़ित की डंडे से पिटाई कर दी, इससे कि पीड़ित छात्र के हाथ में चोट आने से सूजन आ गई। पीड़ित छात्र के परिजनों ने बताया कि दर्द बढ़ने पर देर रात लगभग 9 बजे 100 डायल के माध्यम से पुलिस को सूचित किया गया। 100 डायल के माध्यम से पुलिस पीड़ित के घर पहुंची और उन्हें चुरहट थाने ले आई। लगभग 10 बजे चुरहट थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई। रात 11 बजे छात्र को आनंद फानन में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। चुरहट थाने में परिजनों ने शिकायती आवेदन देते हुए आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। नवमी में तो मारे हैं, एक बच्चा लाइन लगवाते थे तो एक बच्चा आगे सामने में आ गया तो कहा जाओ भर्ती में चले जाओ, तो मास्टर आए तो फिर तीन डंडा मार दिए यहाँ इसके हाथ में। थाना में शिकायत की है, डॉक्टर को गए थे तो बोले कि हम 9 बजे वो करेंगे, एक्सरे करेंगे सुबह। जनपद पंचायत जवा की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक जनपद अध्यक्ष रन्नू बीडी पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके मिश्रा। जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक सुमन साकेत, जनपद अध्यक्ष प्रदीप दुबे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी वेदमणि त्रिपाठी, लेखा अधिकारी जनपद रायपुर करचुलियान। जिले के
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जान से मारने की धमकी को लेकर बड़ा बयान दिया है। शास्त्री ने कहा कि वे सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म के अनुयायी ऐसे धमकियों से नहीं डरते। चमत्कारों को लेकर उठे विवाद के बाद बागेश्वर धाम पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पाकिस्तान को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो देश अपनी ऊर्जा को दूसरों को नष्ट करने में लगाता है वह नष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का विलय बहुत जल्दी भारत में हो जाना चाहिए, उसके पास यही रास्ता बचा है। भारत में तो सनातनी है लेकिन अब पाकिस्तान में ट्रेंड होगा, किस प्रकार से राम कथा की तैयारी चल रही है। मारे पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है, वहाँ जो जरूरी चीजें हैं वो खत्म। जो देश अपनी ऊर्जा दूसरों को नष्ट करने में लगाता है वो स्वभाववश नष्ट हो जाता है, और पाकिस्तान को बहुत जल्दी भारत में विलय हो जाना चाहिए, यही रास्ता उसके पास है। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।